आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केटिंग के अंदर कई सारी कंपनी आ रही हैं, लगातार आती जाती हैं। और ऐसे में जो सेगमेंट है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं भैया, नाम लो कंपनी अवेलेबल है। ऊजस मोटर्स, निज ऑटोमोटिव, ओकिनावा, ओला सब अवेलेबल है। मगर इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर कुछ चुनिंदा ही कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बाइक निकाल रही है। वैसे जो अभी रोड पर देखने को मिलती है, कभी देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक बाइक, जैसे रिवॉल्ट हो गई, जो इन मॉन्स्टर हो गई, अभी CSR 726 आई है, वो भी अब रोड पे देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही अब ऑटोमोबाइल ने एक नई बाइक लॉन्च की अपनी, ऑटोम वेडर, जो कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है। तो अगर आप लोगों को जानना है इसके बारे में कि क्या कंपनी इसके अंदर देती है, कितनी इसकी रेंज है, क्या फीचर्स के अंदर प्रोवाइड करती है, क्या इसकी प्राइस है, तो भाई ये वीडियो पर एंटर देना, क्योंकि ये इन सभी बाइक का कॉम्पिटिशन देगी अल्टीमेटली। क्योंकि भैया मार्केट में आ रही है तो कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं तो किसी को देगी इसीलिए। तो अगर आप लोग जानना है तो भाई देखना पूरा ध्यान से, और देखने से पहले भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि दोनों तरफ आवन जावन बना रहे। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर मैं ऑटोम वेडर की स्पीड की बात करूं तो इनर मार्केट के अंदर पहले से इस बाइक को टक्कर देने के लिए कई सारी बाइकें मौजूद हैं जिनकी कीमत एटम वाडर बाइक से कई गुना ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, इस बाइक के अंदर आपको 2.4 किलोवाट की बैटरी दी गई है और इसकी टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर की है। अगर आप लोग इसकी बैटरी को फुल चार्ज कर दोगे तो आपको रेंज मिलेगी 100 किलोमीटर तक की। इस बाइक के अंदर आपको 14 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर मैं कीमत की बात करूं तो कंपनी ने अपने पहले 1000 कस्टमर के लिए अर्ली बर्ड ऑफर पेश किया है, मतलब कि अगर आप लोग जल्दी बुक कराओगे तो इसकी जो कीमत है वो सिर्फ 1 लाख रुपये होगी। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये की प्री बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बुकिंग हो जाएगी। एटम वर्डर इंडिया में दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक है जिसे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है, मतलब AIAI ने अप्रूवल दिया है। और मैं आपको बता दूं, कंपनी ने ऑटम 1.0 को अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया था। वहीं अब तक कंपनी लो स्पीड कैफे रेसर के 1000 से ज़्यादा यूनिट बेच चुकी है। कंपनी के जो ओनर है ऑटम वर्डर के लॉन्च पर कहा था कि ये हमारी कंपनी के लिए काफ़ी प्राउड दिन है, इस बाइक को हम बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं और जब आप किसी सपने को हकीकत में होता देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, ये वैसा ही फील है उनके लिए। तो ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी नई बाइक, मतलब हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है जो कि अब अवेलेबल है। आप लोग इसकी वेबसाइट जाके देख सकते हो और बुक कर सकते हो, और अगर आप लोग के पास शोरूम में जा सकते हो, दोनों जगह अवेलेबल, दोनों जगह आपको मिल जाएगी, मतलब बुकिंग मिल जाएगी दोनों जगह से। और ये बाइक काफ़ी अच्छी बाइक है, कॉम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छी लुकिंग बाइक है और 100 किलोमीटर की आपको रेंज प्रोवाइड करा दी है, तो आसपास के लिए काफ़ी परफेक्ट है। डेली बेसिस का जो रिक्वायरमेंट होती है एक आम इंसान की, वो फुलफिल कर देगी। क्योंकि मैं आम इंसान हरा इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो होते हैं बहुत ऊपर, वो ये बाइक कभी सोचेंगे लेने की, वो सीधे जाएंगे टेस्ला पे या और अल्टीमेट बाइक पे जो 20-30 लाख से नीचे नहीं आती, उनकी स्टार्टिंग वहीं से होती है। इसीलिए तो आम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है अगर उनको लेनी है तो, मतलब हम जैसों के लिए। इसीलिए बाकी अगर आप लोग लेते हो तो भाई मेरे को जो टैग करना, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पार्टी वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मेटी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।